फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैंने आपको टेंसेस में बताया था थ्री टाइप्स, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, इसी टाइप से आप बनाते थे। लेकिन इसके अलावा भी सेंटेंसेस के टाइप होते हैं जो कि मैं आज डिस्कस करूंगी। और इसके अलावा भी आपके डेली लाइफ में बोलने के लिए सेंटेंसेस होते हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, वन बाय वन वीडियो में आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले समझते हैं सेंटेंस। सबसे पहले बात करेंगे आखिर सेंटेंस होता क्या है, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें सेंटेंस कनेक्ट कर करके बोलते हैं ना। वन सेंटेंस खत्म होगा, देन सेकंड स्टार्ट हुआ, थर्ड स्टार्ट हुआ, सेंटेंस बनता किससे है? तो मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का बताया था। मैंने बोला था सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजों का होना जरूरी है। और मेनली सब्जेक्ट और वर्ब तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस के लिए। और हमने 12 टाइप्स के सेंटेंसेस में ये देखा भी था कि सब्जेक्ट और वर्ब तो हर में था ही, इसके बिना कोई सेंटेंस नहीं था। ऑब्जेक्ट भी जरूरी है, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता तब भी वो सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। जैसे सीता सिंह, राम प्लेस, जरूरी नहीं है उसके आगे ऑब्जेक्ट लगाओ कि वो क्या खेलता है, तब भी वो सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, अच्छा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट नहीं होता या ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं होता इसका मतलब सब्जेक्ट होता है लेकिन उसमें हाइड होता है, हमें दिखता नहीं है। जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मैं वन बाय वन पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगी, अभी जस्ट इंट्रो दे रही हूँ। अच्छा, बात फिर से आते हैं सेंटेंसेस पर। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर जो बनता है वही हम सेंटेंस बोलते थे। ठीक है, अब मेरी डेफिनेशन पर जाइए। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस, यानी बहुत सारे वर्ड से जुड़ता है उससे सेंटेंस बनता है, है ना? से बोलते ना, सबसे पहले हम लेटर सीखते हैं ABCD, फिर हम वर्ड बनाना सीखते हैं, फिर हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर हम सेंटेंस से पैराग्राफ बनाना सीखते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस आती है। तो लेटर आ गए, वर्ड आ गए, अब सेंटेंस उन वर्ड को जोड़ के। लेकिन एक और चीज लिखिए, विच मेक सम सेंस, कोई भी लेटर वर्ड इधर से जुड़ा है कि इधर से, इसका मतलब वो सेंटेंस नहीं है जिसका कुछ सेंस निकल रहा हो, जो हमें समझ आ रहा हो वही सेंटेंस होता है। जैसे कि गुड अ बॉय इज राम, क्या सेंस निकल रहा है? अब आप मेरा सेकंड वाला पढ़िए, राम इज अ गुड बॉय, इससे पता चल रहा है राम एक अच्छा लड़का है, यानी कि ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, ये रॉन्ग हो गया। राम इज अ गुड बॉय, ये सबको समझ आ रहा है। तो सेंटेंस वर्ड का तो ये भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, लेकिन ये क्यों नहीं सेंटेंस हो सकता? ये वाला क्यों सही है सेंटेंस? क्योंकि इससे सेंस नहीं निकल रहा है और इससे कोई भी सेंस निकल रहा है। तो ये तो हो गई सेंटेंस की बात, वर्ड्स को जोड़ना एक सेंस को निकालते हुए जो समझ में आ रहा हो, जिसका कोई मतलब हो, मीनिंग हो, उसको हम बोलते हैं सेंटेंसेस। अब कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? सेंटेंसेस का जो डिवीजन है कोई एक बेस पर नहीं किया गया, बहुत सारे बेस पर किया गया है, जिनमें से आज मैं आपको केवल एक बेस पर बताऊंगी, यानी कि उसका जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर, उसके बेस पर कैसे होते हैं, जो डेली लाइफ में सेंटेंसेस बोले जाते हैं उसके बेस पर केवल मैं आपको बता रही हूँ। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का डिवीजन बहुत तरह से होता है, मैं आगे आने वाली वीडियोस में अगर जरूरत पड़ेगी तो हर टाइप से आपको डिवाइड कर दिखाऊंगी। ठीक है, नंबर 1, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। अब ये तो हमने पढ़े ही नहीं है, ये कौन से होते हैं? अब इनके भी कोई पार्ट है, जरा इन पर जाइए। अफर्मेटिव और नेगेटिव, अरे ये तो हमें पूरी तरह से पता है, हर टेंसेस का पता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो कुछ नहीं होते असर्टिव और डिक्लेरेटिव, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव जो हम पढ़ते थे वो एक में ही आ जाते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। पूरा इंट्रो मैं दूंगी, अभी इसके बाद में इंट्रो भी दूंगी, एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी, वैसे तो आप ये पढ़ ही चुके हैं। सेकेंड होते हैं इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में भी हमने सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव पढ़े थे। फिर अब घूमते हुए इधर आ जाइए, पहले जो जो सेंटेंस हम डेली लाइफ में ज्यादा यूज करते हैं, ये घूमते हुए नंबर 3 पर आइए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का सुना सुना लग रहा है लेकिन मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया। हाँ, ये रह गया है आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मैंने जो पैसिव वॉइस बनाए थे ना, उस पर आपको पैसिव वॉइस तो बना दिए इंपेरेटिव। कुछ स्टूडेंट्स का मेल आया कि पहले हमें इंपेरेटिव का स्ट्रक्चर अच्छे से समझाइए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे यूज करते हैं, कहाँ इनका यूज होता है, कैसे ये फॉर्म होते हैं, तो मैं वन बाय वन अपनी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी। अब इसके अलावा जो आपने नहीं सुने होंगे, 4 एक्सक्लेमेटरी एंड 5th हो गए ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इंट्रो।
फर्स्ट सेंटेंसेस की बात करते हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, या तो इसको हम असर्टिव बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब इसका ये नाम से ही हो रहा है, जो इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस नाम दिया गया है, इसमें कोई चीज आप डिक्लेयर करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, फैक्ट्स देते हैं, थॉट्स देते हैं, सिंपल कोई बात कहते हैं हम, ठीक है। और ये किससे एंड होते हैं, फुल स्टॉप से हमेशा। जैसे मैंने इसके दो टाइप आपको बताए थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब आपको पता चल गया होगा सारे टेंसेस में आपने ये दोनों टाइप पढ़े हैं। अफर्मेटिव, जैसे ही इज अ रियल फाइटर फुल स्टॉप, हिज फैंस लव हिम फुल स्टॉप, हर सेंटेंसेस के बाद क्या आता है, फुल स्टॉप। नेगेटिव, जिसमें नॉट का यूज होता है, बस नॉट का हम यूज करते थे, शी इज नॉट डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो ये आपके हो गए अफर्मेटिव नेगेटिव। सेकेंड सेंटेंसेस की हम बात करते हैं, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ आता है, टेंसेस में आप पढ़ चुके हैं। वही टेंसेस में केवल यही तीन टाइप के सेंटेंसेस यूज होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव, यानी कि डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव, यही सेंटेंसेस यूज होते हैं। और डिक्लेरेटिव को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, और ये भी आपको पता है कि ये क्वेश्चन मार्क्स से एंड होते हैं। आप इसमें दोनों टाइप, ये भी आपको पता है, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव मतलब यस और नो टाइप सेंटेंसेस। जब भी हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर हमें पूरा सेंटेंस में बोलने का जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको हम यस और नो टाइप सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि देखिए, इज हरी अ फार्मर, क्या हरी एक किसान है, एक फार्मर है। अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं बोल दूं यस, तो वो समझ जाएगा यस हरी इज अ फार्मर, मुझे पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, हरी इज अ फार्मर। मैं चाहूं तो बोल सकती हूँ, नहीं भी बोलने पर इसका मीनिंग निकलता है, इसलिए इसे यस और नो टाइप सेंटेंसेस बोलते हैं, क्योंकि यस और नो का आंसर देते ही पूरे सेंटेंस का मीनिंग हम समझ जाते हैं। अगर मैं कह दूं नो, तो इसका मतलब नहीं, हरी इज नॉट अ फार्मर, मुझे पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं डबल इंटरोगेटिव पर, तो क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले सिंगल और डबल में क्यों हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, अच्छा क्या होता है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देखिए सिंगल का, ये डबल का मैं यहाँ लिखूंगी, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। अच्छा, मैं डबल क्या ये लिख रखा है, क्या ये सही है। सिंगल इंटरोगेटिव में आप सबको अब तक लर्न हो जाना चाहिए, अब टेंसेस पढ़ चुके हो, सिंगल इंटरोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। मैं इसका आंसर दे रही हूँ, डू यू गो टू स्कूल, नो, तो आप समझ जाओगे नहीं जाती। अगर मैं कह दूं यस, तो आप समझ जाओगे मुझे पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये दोनों चीज आपकी हो गई सिंगल इंटरोगेटिव के अंदर, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव का एग्जांपल ये रहा, डब्ल्यू एच फैमिली पर जाइए, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर, डब्ल्यू एच फैमिली याद आया, व्हाट व्हिच हूज हाउ मेनी हाउ मच हूम व्हेन, इसके अलावा हाउ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डब्ल्यू एच क्यू, क्योंकि या तो ये डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं या एस से स्टार्ट होते हैं, हाउ हाउ मेनी हाउ मच, या डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया डब्ल्यू एच फैमिली। डबल इंटरोगेटिव आपके ये होते हैं, एग्जाम्पल आपको पता है वेयर आर यू गोइंग, ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले यहाँ पर एक डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर जरूर रहेगा, वरना अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है आपको आर यू गोइंग, तो ये सिंगल या और यस और नो टाइप सेंटेंसेस बन जाएंगे, डबल इंटरोगेटिव नहीं कह रहेंगे। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट वर्ड, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ना, उसमें भी हम नॉट का यूज कर सकते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैन ऑल्सो बी नेगेटिव सेंटेंसेस। कैसे, अब ये तो हो गया जो हमने नेगेटिव लगाया था, लेकिन ये इंटरोगेटिव नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होगा, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों यूज, नॉट भी इनमें आ सकता है, ये सब आपको पता है। जैसे वेयर आर यू नॉट गोइंग, सब्जेक्ट के बाद जो हम नॉट लगाते थे, ठीक है। ये एक नोट था आपके लिए, तो ये हो गया आपके डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। टाइप के आपके होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड और एनी सजेशन, या कह सकते हैं कोई भी एडवाइस, यानी जिसमें हम किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को सजेशन या एडवाइस देते हैं। जैसे कि ब्रिंग योर बुक, अपनी किताब लाओ, तो उसमें क्या दे रहे हैं, ऑर्डर। अच्छा, आप देख रहे होंगे इसमें सब्जेक्ट नहीं है, मैम ने तो कहा था सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होती है, वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने आपसे कहा था इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हाइड होता है कैसे। ब्रिंग योर बुक मतलब अब मैं किसी सामने से कह रही हूँ, यू इसमें ऑटोमेटिक हाइड है, कैसे, यू ब्रिंग अ बुक, बजाय इसके यू ब्रिंग अ बुक यू डू दिस, मैंने यू को हाइड कर रखा है, ठीक है। तो उसमें सब्जेक्ट हाइड रहता है क्योंकि हम इसमें सामने वाले पर्सन से ही कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें हाइड रहता है। ब्रिंग योर बुक, अब ऑब्वियसली जो मेरे पास होगा मैं उसको ही ऑर्डर दूंगी,
प्लीज डू इट फॉर मी, अगर हमने प्लीज या काइंडली लगा लिया तो उसका मतलब सेंटेंस में रिक्वेस्ट शो हो रही है। अब ऑब्वियसली मैं हेल्प भी उससे मांगूंगी ना जो उस समय पास में होगा, मेरे अवेलेबल होगा, जो किसी और से तो नहीं मांगूंगी, मुझे किसी हेल्प की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें प्लीज यू डू इट फॉर मी, यू को हम हाइड रखते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इन सेंटेंसेस में वर्ब से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट नहीं होता। एक्चुअल में सब्जेक्ट इसमें हाइड रहता है और सब्जेक्ट यू ही होता है इसमें। अच्छा, ओवे योर एल्डर्स, ये हो गई एडवाइस, अपने उसका पालन करो। तो सबके लिए हो गया ओबे योर एल्डर्स, किसी एक पर्सन के लिए नहीं हुआ। हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ओबे योर एल्डर्स, ठीक है। तो ये सबके लिए हो गया, इसलिए यू ओबे योर एल्डर्स, ऑल ऑफ यू ओबे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसलिए इसमें सब्जेक्ट हाइड कर देते हैं। तो ये बात हो गई इंपेरेटिव सेंटेंस की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करना बताऊंगी एक ही करके, कि रिक्वेस्ट, ऑर्डर, तीनों तरह के कैसे होते हैं, इसमें लेट वाले भी आते हैं, वो हम कैसे फॉर्म करते हैं। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग अनएक्सपेक्टेड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमोशन, जिसमें हमारे इमोशन शो हो रहे होते हैं। कौन से? अनएक्सपेक्टेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, जो हम सिंपल सेंटेंसेस या अफर्मेटिव में शो नहीं कर पाते हैं। और इन एक्शन इमोशन में जैसे एग्जाम्पल जॉय, खुशी जाहिर हो रही होती है, सरप्राइज, सोरो, शॉक, ये सब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, और इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर होता है। तो देखते हैं कैसे, मैंने कभी बात करी है जॉय कैसे हम शो होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे ये एक्सक्लेमेटरी। कुछ वर्ड जो होते हैं वो सिर्फ एक्सक्लेमेटरी के लिए ही बने हैं, सेंटेंसेस में यूज होते हैं। अलास, आई एम र्यूड, जब भी सोरो की बात करते हैं तब यूज करते हैं अलास। अलास मीन्स किसी दुख की बात करना, बहुत बड़ा दुख। आई एम रूज, मैं बर्बाद हो गया, ठीक है। जॉय से ब्रेवो, वेल डन, जब हम किसी को शाबाशी देते हैं, ब्रेवो साइन आता है किसी की तारीफ, किसी को शाबाशी देना, किसी ने कुछ मैच जीता, कोई कॉम्पिटिशन जीता, ब्रेवो माय सन, वेल डन, बहुत अच्छा किया। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है वो एक्सक्लेमेटरी के अंदर जाते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मतलब हम सरप्राइज हो गए, हमने सोचा ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड इमोशन हमने शो किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशन हमने शो किया, इसलिए मैंने यहाँ ये लिखा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, वाओ, ये सरप्राइज वाले हो गए। तो ये भी मैं आपको अलग से वीडियो में एक्सक्लेमेटरी बताऊंगी कैसे फॉर्म होती है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि ये भी डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं, तीनों तरह के सेंटेंसेस। टेंसेस में आपने डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव तो पढ़ लिया, बाकी ये तीनों भी आपको पढ़ना आनी चाहिए। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? विच एक्सप्रेस कर्स, विश एंड प्रेयर, जिसमें हम किसी को श्राप देते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, विश करते हैं, जैसे गॉड वाले सेंटेंसेस जिसे हम कह सकते हैं, और इसमें भी हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, ये मे से स्टार्ट होते हैं, इनका कुछ ऐसे नहीं होता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बहुत डिफरेंट टाइप के सेंटेंस होते हैं। ये वाले हो गए एक्सक्लेमेटरी, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल, अलग सा लग रहा है ना, व्हाट आ गया, लेकिन फिर भी ये इंटरोगेटिव नहीं है, ठीक है, आ गया इसके बाद, फिर बाद में आया ये सब्जेक्ट ही, तो इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, ये अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूल को ब्रेक थोड़ा करते हैं, लेकिन इसमें देखिए होता तो इसमें भी है, वर्ब इसमें नहीं है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी में वर्ब होना जरूरी नहीं है, ठीक है, जबकि वो रूल ब्रेक कर जाते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, या फिर गॉड का मे गॉड ब्लेस यू, या फिर किसी को कर्ज देना हो, कर्ज मतलब शार्प, आई कर्ज यू लाइक दिस, ठीक है, जैसे तुम्हारा बुरा हो, मे यू गो टू द हेल, तुम नरक में जाओ, तो ये क्या कर रहे हो, किसी को कर्ज। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे। तो कैसा लगा मेरा आपका वीडियो? आई होप आपको सेंटेंसेस के कितने टाइप से कोई वो नहीं होगा, और डिक्लेरेटिव इंटरोगेटिव आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्रेस द लाइक बटन and subscribe my channel and don't forget to press bell icon button so that you can never miss any video or upload, क्योंकि मैं आगे इसका structure तीनों sentence के आपको सिखाने वाली हूँ जो कि daily life में बहुत use होते हैं। Then we'll meet you in next session. Till then, bye bye, take care.